राजनीति को लेकर कभी खेसारी लाल यादव से बात हुई कि नहीं आपकी? हुई है। हुई है, यानी वो भी मूड में है। देखिए एक बात बताते हैं, कलाकार बूढ़ा होता है तो क्या करेगा, बाप का रोल करेगा जी, नहीं तो राजनीति करेगा और क्या करेगा। दूसरी चीज, राजनीति करना गुनाह नहीं है अगर ईमानदारी से हो जी। अब ईमानदारी से तो राजनीति नहीं होगी, संपूर्ण ईमानदारी नहीं संभव है जी। लेकिन इतनी ईमानदारी जरूर हो, जैसा जब सीता मैया के किनारे से लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने खींचा जी। कहा मैया भाभी भौजी ये रेखवा पार मत करिए, तो रेखा पार होने का मतलब लंका चली गई। तो संपूर्ण ईमानदारी से हिंदुस्तान में कोई नेता नेतागिरी नहीं कर सकता, संपूर्ण ईमानदारी शब्द को ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर ईमानदारी से भी कोई काम होता है तो इसके लिए सलाम है, ये सबके बस का रोग नहीं है। मैं ईमानदारी से ना काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करने मुझे क्या कठिनाई आती है ये मैं देख रहा हूँ। मैं 13 साल से विधायक हूँ, 14वां साल चल रहा है मेरा, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं विवाक होकर बोलता हूँ। तो ईमानदारी से नेतागिरी करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे जितने कलाकार हैं वो कम से कम जो नेता लोग हैं उनसे कुछ मामलों में अच्छे जरूर हैं। जैसे वो गिरेंगे भी ना तो एक स्तर तक ही गिर के रहेंगे, उसके नीचे नहीं गिरेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी नेता बने हैं कलाकार उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है? कोई घोटाला है, किसी की मर्डर कराए, किसी की हत्या कराए, किसी को मतलब गलत इल्जाम लगा के जेल भेजवाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मनोज जी भी इतना दिन से कभी सुने आपने? नहीं। आपने रवि किशन को सुना? नहीं। चले शत्रुघ्न सिन्हा हमारी पार्टी में नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में सुना आपने? नहीं। आपने सनी देओल के बारे में सुना? नहीं। हेमा मालिन के बारे में सुना? हाँ, ये मान सकते हैं कि क्षेत्र में कम आए हैं, ये मान सकता हूँ। क्षेत्र में कम आना तो एक बात बताइए, एगो मुखिया जो है जिसके हाथ में 10 गांव है वो नहीं घूम पाता है, एक विधायक है जिसके पास 400 गांव है, आ एक सांसद है जिसके पास 24,000-2,500 गांव है, कहाँ से जाएगा? भगवान थोड़े है वो जी। तो कम से कम मान लीजिए ये इल्ज़ाम कोई लगा सकता है कि बहुत कम आते हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम तो कोई नहीं लगाया कि किसी गरीब का पैसा खा गए, किसी गरीब का जमीन जोत लिए, किसी का बेटी बहन रख लिए, किसी के बेटी बहन को फांसी दे दिए, ऐसा तो नहीं मिलेगा। यही लगता है कि अंदेशा है कि खेसारी लाल यादव भी लग रहा है कि 24 या 25 में लगभग आएंगे ही। अब ये मैं नहीं बता सकता, बहुत होशियार लड़का है जी, उसका बाजार चल रहा है तो चलता बाजार वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन आता है तो मुझे लगता है कि उसके भी चाहने वालों की संख्या इतनी है कि सर्वाइव कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, क्यों नहीं बढ़ेगा। बाकी आप लोग देखिए और इस राय को लेकर अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।